अरे रे 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 रे, ये तो क्या बनेगा देखता हूँ। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं समोसे। मैं बना रहा हूँ, मम्मी नहीं बना रही आज। मम्मी को मैंने बोला मैं अपने हाथों से मस्त आपको बना के खिलाता हूँ, क्योंकि मेरे को आता है, आपको भी आता है, नहीं आता सीखो। तो अभी हमने मैदा लिया है, उसमें डाला अजवाइन, उसमें डालो नमक, एंड इसमें अपना आलू बॉईल होने के, थोड़ा मावन डालते हैं, तेल तेल नहीं डालो मम्मी, चपचप हो जाएगा। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा तेल डाल दो, चलो आपकी खुशी के लिए थोड़ा डालो। उसको मम्मी लास्ट में डालना होता है, देखा, इसीलिए बोलते हैं अगर तुम खाना बनाओ ना तो अकेले बनाओ, ऐसा साथ में कोई हो जाता है ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये करना है कि वो करना है, उसका ज्ञान लूँ या अपना ज्ञान डालूँ। काई बोला इच्छा था। अभी इसमें हम डालेंगे पानी, पानी डालने के बाद मेहनत का काम अपना है इसको मारने का। इसको मारेंगे मारेंगे मारेंगे। समोसे बनाने के लिए अपने को आटा थोड़ा टाइट रखना होता है, तो ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपके स्प्रिंग रोल बन सकते हैं, याद रखना। चलो मारते हैं, एंड दोनों हाथ यूज करो तो ज्यादा बेटर बनता है आटा। एक पानी कम डालता है, मेरे एक्सपीरियंस है यार, पानी कम कम डालना प्लीज। 1 2 3 चलो, पहले एक ही हाथ से ढिन्ना बनाते हैं, उसको पता है, तो मेरे को दोनों हाथ से जमता है ना। तो इसमें तेल डालो ना तो बढ़िया रहता है। अरे छोड़ो ना, चलो अभी हम आटा बनाने के बाद मिलेंगे, इसका आटा लगा लेते हैं, फिर अच्छे से समोसा बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा। चलो 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 चलो। ओके, सो अपना ये डो तैयार है मैदे का, इसमें हमने तेल लगा के रख दिया है ताकि ये सूखे ना, एंड अभी टाइम है अपना, ये आलू मम्मी ने कर दिया हेल्प छिलने में एंड इसको ये करने में, एंड अभी हमारा टाइम है कि हम आलू की सब्जी बना ले पहले, जो समोसे के अंदर होती है, आपको पता है ना, वो सब्जी पहले बना के रखते हो, डायरेक्टली नहीं डालते हो उबला हुआ, आई होप सो। तो इसमें लहसुन डालेंगे पहले हम। वाओ, तेल को गरम तो होने दे। ओह शिट, तेल गरम ही था, बट मैं इसमें पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना भूल गया, पहले पेस्ट डालना चाहिए फिर ये डालना चाहिए, बट इट्स ओके। और जब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालो तो दूर हो जाओ, बिकॉज वो बहुत उड़ता है, और जब आपके लहसुन पीले हो जाए, आई मीन गोल्डन कलर के हो जाए, तब डालना अपना ये आलू एंड फिर डालना अपने मसाले। ओके, ठीक है, नमक ठीक है, थोड़ा सा हल्दी, हल्दी नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ये पड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी पड़ना चाहिए अपना, एंड मोस्ट पसीना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अपन जो भूल गए वो है हरी मिर्ची, हरी मिर्ची डालना बहुत जरूरी होता है। तो जो अपना रह गया था धनिया हरी मिर्ची, ये भी डाल देते हैं ऊपर से, एंड इसको भी फास्ट में पका देते। मस्त अपना समोसे का आलू इस तैयार, ये आलू तैयार हो गया अपना। देखो, करने को अपन सब कुछ कर लेता है, लेकिन रोटी बेलना इस थोड़ा डिफिकल्ट काम, तो मम्मी को मैंने बोला बेलने का काम आप कर लो, तो ये हो रहा है अपना। अब जो काम में अपने को आधा घंटा लग जाएगा, इससे तो मम्मी फटाफट कर देगी ना 5-5 मिनट में, तो इसके छोटे 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 ये बना दिए अपन ने, इसको सीधा सीधा, हाँ, और थोड़ा बड़ा बनना चाहिए और लंबा, एक में दो बनने चाहिए ना अपने। अरे ये क्या हुआ, बस सही है सही है सही है सही है सही है। अब इसको बीच में से काटो काटो, इसको ये रख दो साइड में। तो ऐसे ही सारे बना के, ये अपने को बना के सब कुछ रखेंगे, फिर मेन प्रोसेस चालू करेंगे अपना, समोसे का शेप आता है कि नहीं दैट इज द मेन टास्क, कि बाकी सब कुछ आ जाएगा, समोसे का शेप आएगा कि नहीं पता नहीं। समोसे तो मैंने भी नहीं बनाया, अम्मा समोसा खामो खोला। सो ये तैयार है, एंड अभी इट इज टाइम के सच का सामना, एंड लेट्स सी अपने समोसे का शेप कैसा बनता है। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा कि परफेक्ट समोसा कैसे बनता है, तो उसमें बेस्ट चीज इज, सबसे पहले अपना ये अपना तैयार है, एंड इसके एजेस पे आप लगा दो पानी,
पानी इसलिए लगाएंगे ताकि अपन रोल करेंगे तो चिपका रहे। एंड फिर लिया ये अपना तीन उंगली, इसको फेंका इधर से एंड इसको फेंका इधर से, इसको चिपका दिया इधर एंड ये जो पार्ट है इसको इधर गिरा दिया एंड फिर जो अपना होता है ये बॉक्स बन के तैयार हो गया। तो ये अपना छोटा है तो ये छोटा समोसा बनेगा एंड इट इज टाइम, अभी इसमें भरेंगे अपन थोड़ा सब्जी, मसाला ज़्यादा मत भरना वरना अपना समोसा फूट सकता है। ये हो गया तो फिर पानी लगाना होगा आपको इधर इस पर, तो ये पीछे से ये कर दिया इधर एंड ये गया ऐसे एंड आपका समोसा ये बंद, इसको थोड़ा अच्छे से बंद करना आप, बंद सीधा बंद। अगर आप इसको ढंग से बंद नहीं करोगे ना तो आपका मसाला बाहर निकल जाएगा, मसाला बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा समोसा इस तैयार। देखो समोसे थोड़े छोटे बन रहे हैं लेकिन शेप बहुत अच्छे आ रहे हैं, है ना। अब जो मम्मी कैमरा पकड़ के बैठी है अब देखते मम्मी कैसे बनाती है। तो मेरे भी पहली बार बना रहा हूँ, ट्राई करो। चलो ये देखो टन। पानी लगाओ मम्मी। अरे रे 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 रे, ये तो क्या बनेगा देखता हूँ। ये गुफा बन रही है। ये क्या है, क्या बन रहा है इसका पूछ नहीं। अरे तो आपको सिखाया दो बार फिर भी आपने क्या हो रहा है। अरे वो नहीं नहीं सही है, आड़ा टेढ़ा करके तो शेप तो मैं भी दे दूंगा। इसको शेप दे रहे हो। कुछ नहीं नहीं क्या है, एक और दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखो इसका बनना भी। ये देखो ये देखो ये है मेरे समोसे दो, ये वाव। और ये मम्मी का कोने में, अरे मम्मी ने मेरा भी खराब कर दिया है। मस्त हो गया। कुछ चीज़ें प्रोफेशनल लोगों को ही करनी चाहिए। मैं करता हूँ अभी, तो मिलते बाद में, पूरा फटाफट कर लेता हूँ, मैं अकेले कर रहा हूँ। चलो तो ये है हमारे सारे समोसे जो मैंने बनाए एंड ये जो बेकार सा दिख रहा है ये मम्मी ने बनाया था। ये मम्मी ने बनाया था। ये हमारा तेल है गरम, अब डालेंगे हम एक एक समोसा एंड मैंने स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा किया तो फटने के चांसेस है थोड़े। कुछ देर और एंड अपने समोसे तैयार हो जाएंगे बिकॉज फ्राई हो रहे हैं एंड यहाँ पे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं आपको डायरेक्टली मिलूँगा समोसे बनने के बाद, तो अपन मिलते हैं समोसे खाने के लिए डायरेक्टली। बाय। ओके तो अपना एक समोसा तैयार है बट इस पे एक कमी ये लग रहा है कि मस्त है लेकिन इसका मैदा थोड़ा, आटा थोड़ा और मोटा होना चाहिए था। तो ये बबल बबल से आपको जो दिख रहा है इस पे, ये ऐसे स्प्रिंग रोल क्वालिटी जो आ गया है वो नहीं आता मेरे भी, बट स्टिल टेस्ट होना चाहिए। देखो ये खुला अपना समोसा बहुत गर्म है, अच्छा तो बना है वैसे। मतलब टेस्ट बोलोगे तो 10 out of 10 है, बस खाली थोड़ा बाहर का आटा जो रहता है उसका क्वालिटी थोड़ा सा आएगा। खस्ता हुआ कि नहीं, खा के देखो खस्ता हुआ कि नहीं, खस्ता हो रहा है। ऐसा होता है कि घुंडने में जब तेल डालो ना थोड़ा खस्ते की कमी रह गई, कड़क हो गई। हाँ थोड़ा खस्ता की कमी है। तेल क्यों नहीं डाला पहले? नहीं डाला ना, नहीं डाला ना, मेरे को लगा नहीं डालते हैं। उससे सॉफ्ट होता है पर वैसे टेस्ट मस्त है। बहुत कड़क होता है, मावन डालते हैं। तो मस्त हो रहा है यार, क्या कुछ भी बोल। आप बस वो खाली वैसा होना चाहिए तो वैसा नहीं है लेकिन टेस्टी कितना हो रहा है, बहुत सही टेस्टी हो रहा है। हाँ तुम नहीं खा, बस तू खा।
ओके तो समोसा अपने मस्त बने एकदम कड़क क्रिस्पी। दादी कड़क नहीं खा सकती, मेरा दांत कमजोर से दादी का दांत कमजोर है। एंड मम्मी को अच्छा लगा, मजा आया खाने में। ओके तो आपको एक टिप दूंगा, जब आप आटा बनाओ ना तो उसमें प्लीज थोड़ा तेल डाल के उसको मारना अच्छे से, ताकि वो अलग सा जो खस्ता वाला टेस्ट आता है वो आए। बाकी अपना समोसा बहुत मस्त है, मसाला है एकदम बहुत मस्त है। ओके सो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया। एंड आपको पता है अगर मजा आया तो आपको क्या करना, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद रावत, याद है ना। चलो 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 चलो।